नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड के होमगार्ड जवानों ने आज विधानसभा परिसर पहुंचकर अपनी मांगों को रखते हुए धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में झारखंड के होमगार्ड जवान पहुंचे और हेमंत सोरेन से अपनी मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई। मौके पर होमगार्ड जवानों ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना वादा को पूरा करें। चुनाव से पूर्व उन्होंने वादा किया था कि होमगार्ड जवानों को उनकी पूरी सुविधा मुहैया कराई जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री वादा खिलाफी कर रहे हैं। इस मौके पर होमगार्ड जवान संघ के महिला प्रदेश अध्यक्ष अंजना पाड़ा ने आंदोलन का नेतृत्व किया एवं सरकार से अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। आंदोलन करने वाले नेताओं ने बिहार राज्य की तर्ज पर झारखंड के भी होमगार्ड जवानों को सारी सुविधा मुहैया कराने की मांग की। सुविधाएं होमगार्ड जवानों को मिल रही है, उन सुविधाओं को देने का माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वादा किया था, उन्हीं सुविधाओं को लेने के लिए हमारा यह आंदोलन चल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनती करता हूं, जो वादा उन्होंने होमगार्ड जवानों से किया था उस वादे को पूरा करते हुए होमगार्ड जवानों को बिहार राज्य के तर्ज पर सारी सुविधाएं दी जाएं। उन्हीं सुविधाओं की मांग को लेकर आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए मुख्य हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।